लेवल प्लेइंग फील्ड अगर कहें इसको कि कहा जा रहा था, लेकिन वो तो सजा दी जाएगी जा रहे इमरान खान साहब को नायल करने की बात ही तबरे ऐसे से हो रही है कि इनको नायल भी कर दिया जाएगा केसेस में। तो लगता है कि वो जो प्लान था, वो जो तरीका कार था, वो जो प्ले बुक थी, वो अब दोबारा आज तक हो गई है। इमरान खान साहब अंदर होंगे, उनका रिमांड लिया जाएगा। मुझे तो सियासी तौर पर इस चीज इसलिए समझ नहीं आ रही कि जब आप एक तरफ मुजाकरात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बार बार आप कह रहे हैं कि हम तरीके से आपसे मुजाकरात करना चाहते हैं, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? या तो आप पहले बातचीत के जरिए मसला हल करें, कोशिश करें कि बातचीत के जरिए मसला हल करें, लेकिन इस अमल से ये लगता है कि बातचीत के जरिए हल नहीं करने का कोई। तो काशिफ साहब, इससे ये बात तो साबित हो गई ना इमरान खान की गिरफ्तारी से कि मुजाकरात के अमल को सबोताज करना चाहते हैं सभी। देखिए, मुजाकरात को करना नहीं चाहता, ये बात साबित हो गई। इसका मतलब दूसरी चीज ये साबित होगी कि सोर्ट में इलेक्शन पे इलेक्शन कोई नहीं कराना चाहता। अगर इलेक्शन करवाने होते, कहीं पे इंटेंट होती, तो पहले इस चीज को एक मौका दिया जाता कि बातचीत से शायद मसला है। तो ये बात भी तय हो गई कि अब बहुत सी चीजें अब क्लियर होनी शुरू हो। तो क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अंदर किया जाएगा, किसी किस्म की मूवमेंट चलाने की उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान साहब को शायद देखें कितना अच्छा अदालतें उनका रिमांड देती हैं और उनको जमानत नहीं देती, ये एक और सवाल है जिसका जवाब तो वक्त के साथ साथ ही मिलेगा। लेकिन ये बात तय है।